वेलकम टू माई चैनल, मेरे चैनल शिखास किचन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज फिर मैं आपके लिए बिल्कुल नया वीडियो लेकर आई हूँ, तो चलिए देखते हैं उस वीडियो को। दोस्तों, आज मैं आपको गेहूं के आटे से हम किस तरह से गुलाब जामुन बनाएं ये बताने वाली हूं। तो यहां पर मैंने 400 ग्राम शक्कर ली है। यदि आप आधा किलो खोवा ले रहे हैं तो आपको लेना है यहां पर 400 ग्राम शक्कर। आप चाहें तो पूरी आधा किलो शक्कर भी ले सकते हैं। तो यहां पर खोवा मैंने गुलाब जामुन वाला लिया है, और साथ ही यहां पर मैंने लिया है 2 चम्मच सूजी या रवा, दोनों में से कोई एक चीज़ लेना है। और यहाँ लिया है मैंने 5 टेबल स्पून गेहूं का आटा। मैदा डालने से कई बार हमारा गुलाब जामुन बहुत ही ठोस हो जाता है, उसमें बहुत अच्छी तरह से चाशनी अंदर तक नहीं जा पाती, परंतु गेहूं का आटा डालने से चाशनी गुलाब जामुन में बहुत अच्छी तरह से अंदर तक जाती है। अंदर तक के गुलाब जामुन सॉफ्ट रहते हैं। तो बस जो शक्कर है इसे मैंने कटोरी से नाप कर लिया है। 1 कटोरी यदि शक्कर है तो 2 कटोरी आपको पानी डालना है। यहाँ पर मैंने 400 ग्राम शक्कर ली है और 1 तार की हमें चाशनी बनाना है। जब तक के शक्कर में उबाल आ रहा है तब तक के हम इस खोए को ग्रेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक ग्रेटर लिया है ताकि जो हमारा खोवा है खूब अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। जितना अच्छा हम गुलाब जामुन के खोए को मलते हैं दोस्तों, उतने बढ़िया, उतने ही सॉफ्ट गुलाब जामुन बनते हैं। तो यहाँ पर 1/2 किलो जो मैंने मावा लिया है उसको मैं इस तरह से कीस रही हूँ, ये देखें। एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें दोस्तों, बहुत ही बढ़िया गुलाब जामुन बनेंगे, बिल्कुल भी टूटने का डर नहीं रहेगा। और आप एक बार इसे बनाएंगे तो शायद बार बार आप इस गुलाब जामुन की रेसिपी को ट्राई करना पसंद करेंगे, बिल्कुल परफेक्ट गुलाब जामुन बनेंगे। तो यहाँ पर 1 तार की मैंने चाशनी बनाई है, और यदि शक्कर बहुत ज़्यादा, जैसे कई बार मैली सी होती है, तो थोड़ी सी हम चाशनी में यदि 1 चम्मच दूध डालते हैं तो मैल थोड़ा किनारे हट जाता है, ऊपर ऊपर आ जाता है, जिसे आप निकाल लें। और इस बीच मैंने जो खोए को ग्रेट करके रखा है उसमें मैंने 2 बड़े चम्मच 2 टेबल स्पून सूजी डाली है, और 5 चम्मच मैंने इसमें डाला है गेहूं का आटा। 1/2 किलो में आपको डालना है 100 ग्राम के करीब गेहूं का आटा, तो 5 टेबल स्पून में ये मेज़रमेंट है। बिल्कुल 1 चुटकी मैंने यहाँ पर बेकिंग पाउडर डाला है। बेकिंग पाउडर डालने से गुलाब जामुन बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं, स्पंजी बनते हैं, इसलिए यहाँ पर मैंने बेकिंग पाउडर डाला है। 1/8 टीस्पून भी अगर आप टीस्पून से नापेंगे तो इस तरह से भी नाप सकते हैं, या सिर्फ 1 चुटकी ही डालें। इसके बाद आपको इस खोए को खूब अच्छी तरह से मसलना। आप देख रहे हैं इसे कम से कम मैंने 5 से 7 मिनट तक के अपनी हथेलियों से बढ़िया अच्छा मसल लिया है। मसलने से ही इसमें बहुत अच्छा स्पंज आता है, बहुत ही सॉफ्ट गुलाब जामुन बनते हैं। यदि हम ऐसे ही इसकी गोलियाँ बना लेंगे तो उतने सॉफ्ट गुलाब जामुन नहीं बनेंगे। तो बस अब ये जो डो है, हमारा खोए का डो है जिसमें हमने गेहूं का आटा 2 चम्मच सूजी मिलाई है, बहुत ही नरम, बहुत ही सॉफ्ट हो गया है। अब इसकी मैंने 2 इस तरह से लंबी लोइयां बना ली हैं, और बस चाकू की सहायता से आप इसे कट कर लें। कई बार हम बड़े बड़े गुलाब जामुन बनाना पसंद करते हैं, परंतु त्यौहार के समय तो दोस्तों थोड़े से छोटे गुलाब जामुन अच्छे लगते हैं। तो मैंने आपको थोड़ी सी बड़ी लोइयां इस तरह से काट के दिखाई है। बढ़िया अच्छे टाइट हाथ से आप इसे बिल्कुल गोल कर लें, कहीं भी इसमें क्रेक नहीं आना चाहिए। यदि क्रेक आएगा तो वो दिखने में भी अच्छे नहीं लगते हैं। और गुलाब जामुन जैसे अभी मैंने जानबूझ के आपको बड़ा बनाकर दिखाया, परंतु त्यौहार का सीज़न है तो थोड़े से हम छोटे छोटे ही इसे बनाएंगे, क्योंकि तलने के बाद, चाशनी में जाने के बाद ये अपने आप ही थोड़े से बड़े हो जाते हैं, इसलिए इसके बॉल्स हम थोड़े छोटे करेंगे। आप चाहें तो थोड़े लंबे शेप के भी गुलाब जामुन बना सकते हैं, और चाशनी देख सकते हैं तैयार है। और ऊपर ऊपर की चाशनी का जो मैल है दोस्तों, ये देखें, मैं इस तरह से बड़े चम्मच की सहायता से निकालती जा रही हूँ। बस थोड़ा सा निकाल दें यदि शक्कर आपकी थोड़ी ज़्यादा डार्क कलर की है। कई बार शक्कर भी मैली सी आती है दोस्तों, या फिर अच्छी सफ़ेद वाली ले सकते हैं आप, रिफाइंड शुगर भी ले सकते हैं। गुलाब जामुन की ये जो गोले हैं ये सब मैंने तैयार कर लिए हैं ताकि मुझे तलने में आसानी हो। तलने के लिए आप चाहें तो शुद्ध घी भी ले सकते हैं, या फिर आप इसे डालडा में तल सकते हैं, या फिर ऑयल में भी आप इसे तल सकते हैं।
तो कम से कम 8 से 10 गुलाब जामुन मैं एक साथ इस कढ़ाई में डाल रही हूँ। आप देखिएगा दोस्तों, एक गुलाब जामुन भी नहीं टूटेगा, पूरे कॉन्फिडेंस से आप इसे बनाएं, ना बिगड़ने का डर है। बस इसी तरह से मैं इसे तल तल कर निकालती जा रही हूँ। इतने सारे मैंने एक साथ तल के निकाले हैं और अब दूसरे वाले मैं तल रही हूँ, और जो तल रहे हैं दोस्तों उसे आप तुरंत ही चाशनी में डालें। चाशनी हमारी बहुत उबलती हुई नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। साथ ही साथ चाशनी ठंडी भी नहीं होना चाहिए, हल्की गुनगुनी चाशनी में आप गुलाब जामुन को डालते जाएँ। तो जैसे ही आप तलें, हल्का सा इसका कलर थोड़ा सा डार्क करें दोस्तों। ये देखिए, ये कलर गुलाब जामुन का अच्छा लगता है। तो इस तरह से मैं इसे तलती जा रही हूँ और तुरंत ही आप इसे चाशनी में डालें। इसे आपको प्लेट में नहीं रखना है, तलते ही साथ आपको इसको बिल्कुल गुनगुनी चाशनी में डालते जाना है। और बाकी के गुलाब जामुन तलने रख रही हूँ। तो दोस्तों इस तरह से मैं चाशनी में डाल रही हूँ। थोड़ी सी जगह कर लें आप चाशनी में। इस चाशनी में मैंने थोड़ा सा इलायची का पाउडर डाला है दोस्तों, थोड़े से बादाम की कतरन भी मैंने इसमें ऐड की है। बादाम आप चाहें तो कोई और भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने बारीक कटा हुआ बादाम डाल दिया है ताकि थोड़ी गर्म चाशनी में वो भी अच्छे से फूल जाएं। और थोड़ी सी पिस्ते की कतरन भी डाल रही हूँ। आप देख सकते हैं मैं इतने कम से कम 8 से 10 गुलाब जामुन एक साथ तल रही हूँ। एक भी गुलाब जामुन आपको टूटा हुआ नहीं दिखेगा। बस कलर थोड़ा सा अच्छा डार्क कर लें तो गुलाब जामुन दिखने में बड़े अच्छे लगते हैं। और एक बार आप इस तरह से गेहूं का आटा डाल के जब आप गुलाब जामुन बनाएंगे ना दोस्तों, तो आप बार बार बनाएंगे। अब आप देख सकते हैं सिर्फ आधा किलो खोए में मैंने कम से कम 40 से 50 गुलाब जामुन बनाए हैं। छोटे छोटे ही इसके गोले रखे थे जो कि चाशनी में फूलकर इतने अच्छे हो गए हैं। तो अभी तो इसे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है मुझे चाशनी में डाले हुए, मात्र 15 से 20 मिनट हुआ है। फिर भी मैं आपको इस तरह से निकाल कर दिखा रही हूँ क्योंकि गुलाब जामुन बना है तो बच्चे तो अभी इसे खाने की मांग कर रहे हैं। इसलिए मैं आपको तुरंत ही वीडियो आपके साथ इसका बता रही हूँ कि किस तरह से ये गुलाब जामुन बने हैं। थोड़ा सा बादाम और पिस्ता फिर से डाला है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही बढ़िया गुलाब जामुन बनेंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको करना है लाइक, साथ ही साथ मेरे चैनल शिखास किचन को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ कमेंट करके जरूर बताएं कि मेरा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा।